जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी किया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी देश का मालिक है और मालिक हम जल जंगल जमीन के, तो ये नगर पालिका अब आई है। इससे पहले कई सदियों से पुरानी हमारे लोग रहते आ रहे, या फिर हमारे लोगों को या ठिकाने कर देवे या बता देवे नगर पालिका की हमारे लोग यहाँ से उठ के कहाँ जावे। पहले तो इनके ठिकाने कर देवे, फिर इनके जो अत्याचार पुलिस कर रही है, हमने वीडियो में देखा है कि हमारी बहन बेटियों को पुलिस तंगेड़ रही है। क्यों? अगर हम मानते, अगर ये जो भी ये पुलिस प्रशासन है या फिर नगर पालिका है पहले नोटिस जारी करता तो हम उनको भी सही गलत नहीं मानते, लेकिन उन्होंने बिगैर नोटिस किए हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, परेशान किया। इसलिए मैं तमाम समाज के संगठनों की ओर से बोलना चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर भी मुकदमा, हम समाज के सब मुअद्दिबीन मिलके इन नगर पालिका और प्रशासन के ऊपर भी हम मुकदमा लगाएंगे, क्योंकि हमारी खड़ी फसल के अंदर इन्होंने ये हमारी फसल को बर्बाद किया है। हम इसका भी गिनकर हिसाब लेंगे नगर पालिका से। अगर हमारी ये जमीन अवैध है तो फिर ये दुकानें आपको नजर आ रही है ये भी अवैध है, क्योंकि हमारे लोगों के पास 500, मैं तो ये कह रहा हूँ, इनकी पीढ़िया 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 बीतती गई है, ये यही रह रहे। नगर पालिका कल परसों आई हुई है, नगर पालिका हमारे लोगों को डरा रही है, ये गलत है, ये अत्याचार हो रहा है। हम अब अत्याचार नहीं चाहेंगे, अगर समय रहते कार्रवाई या फिर नगर पालिका सहद नहीं जावे तो हम तीसरे दिन हम धरने पे बैठेंगे और इसका संपूर्ण रूप से हम जवाब मांगेंगे एसडीएम महोदय से। और हम ये आज आह्वान करना चाहते हैं सभी पब्लिक के माध्यम से कि ये इनके हम आदिवासी परिवार और तमाम संगठन इन गरीबों के पास साथ में बैठे हुए। तो ये नगर पालिका मन आएगी, अरे यार फसल में बेबस भी ठीक है लेकिन मन की तंगड़ी थी और कोई बात है आज समाज से संगठन की बात करो उनसे। और परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा।